आगे देखो, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन निकालना है। लेकिन एक वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भूल जाओ। आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकालो, तो एक रिलेशन तो सस्ता वाला मैं बता दे रहा हूं, सस्ता मतलब नहीं होना मतलब बिल्कुल ऐसे कंपट वाला चौनिक चौधरी कंपट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है शुक्ला जी? 1/4πε0Q/r² और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0Q/r, उसमें क्यू अपॉन आर होता है 1/4πε0Q/r। देखिए अगर इसको मैं ऐसे कर दूं क्यू अपॉन आर और एक आर अलग कर दूं, कोई दिक्कत कोई गुनाह नहीं? तो ये क्या लिखा हुआ है पोटेंशियल, तो V अपॉन R हो गया। तो एक्चुअली छोटा सा कंसेप्ट याद रखिए, अगर दो पॉइंट हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये पोटेंशियल डिफरेंस V है और इनके बीच डिस्टेंस L है, तो V अपॉन L को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, छोटी सी बात ठीक है। लेकिन वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको समझिएगा। तुम्हारी क्या है विभव प्रवणता, टॉपिक खोलिए विभव इलेक्ट्रिक फील्ड विभव प्रवणता ग्रुप। ये सस्ता वाला ग्रुप समझ आ गया, नींद आ रही क्या? इसलिए इसमें इन सब्जेक्टेड में हंसी नहीं आती, ये होता ना बिल्कुल वाह वाह क्या बात है क्या कहानी है वाह ताली बजाओ, यहां कुछ ऐसा होता नहीं, बहुत रूट सब्जेक्ट है। इंटरेस्ट रहता है लेकिन इंटरेस्ट कम, बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा मुंह बंद किए हुए दौड़ नींद आती है, आती है ना? नहीं आती। कौन सा टॉपिक है? क्या आपने ग्रेडियंट वर्ड कहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है? अब आपको कि ग्रेडियंट का वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा? हम वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहे, आपने तो आपने इलेवेंथ क्लास में ग्रेडियंट दो तीन जगह पढ़ा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट और दो ही नाम मुझे याद है और कोई ग्रेडियंट नहीं पढ़ा तुमने, तो इसे से क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। आप जानते हैं किसी भी नदी में पानी फ्लो होता है तो ध्यान से नाली में जो नाली कही है नदी में तो आप ध्यान से देखो तो नाली का जो तलहटी होती है बिल्कुल लोअर पार्ट वहां पानी रुका हुआ लगेगा और जैसे जैसे ऊपर आओगे वैसे वैसे पानी की स्पीड बढ़ती जाती है ठीक है। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जो कुछ डिस्टेंस उसमें चेंज होती है उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो डिस्टेंस के साथ साथ वेलोसिटी चेंज होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर आप किसी रॉड में यहां गर्म करें इसको हीट एक कार्डर पूरी रॉड रख दोगे तो हीट कहां से ट्रांसफर होगी? अगर पूरी रॉड आप रख दीजिए पूरी हीट पर ऐसे रख दीजिए तो हीट ट्रांसफर कहां होगी? हर एक पार्ट को अलग अलग हीट मिलेगी, जैसे कहीं खाना वाना की व्यवस्था हो रही एक तरफ से रोटी ट्रांसफर हो रही है तो उन्हें कहते रोटी ट्रांसफर। अब सबके आगे थाल छह रोटी रखी हुई है, खूब आदमी रख लिया आधा फेंक आता है उसमें डस्टबिन वहां जूता लेके चार आदमी पड़े होंगे इधर ये क्या है हैं? खा के जाओ छोड़ जाओ मारेंगे उसके दो WWE वाले रख खड़े कर दिए चार से जो रोटी फेंके उसको मार डाले। तो पहले लिख दे नोट कार्ड में कि WWE के वो बाउंसर सार डिप्यूटेड फॉर दिस, तो वैसे आधी आधी रोटी रखेंगे बहुत फेंक देते हैं। तो अगर इधर से रोटी का ट्रांसफर हो रहा है और सबके आगे रख दोगे तो क्या होगा? तो देखिए लफड़ा यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या? सावधान, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है प्लस क्यू, इसने अपने चारों ओर एक भौकाल टाइट कर रखा है। अब भौकाल टाइट कर रखा कोई लैंग्वेज नहीं होती है ठीक है। और यहां पर एक पॉइंट है, दो पॉइंट हमने लिए, एक पॉइंट यहां लिया एक पॉइंट यहां लिया, नाम दे दो बुक के हिसाब से नाम दे दो, एक पॉइंट ए ले लो एक पॉइंट बी ले लो। अच्छा बताओ पोटेंशियल ए पे ज्यादा होगा कि बी पे ज्यादा होगा? ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बी पे ज्यादा होगा? ए पे ज्यादा होगा क्योंकि ए की दूरी कम है और आर वन पान में आता है, तो ये दूरी मैंने मान ली आर और ये दूरी थोड़ा सा क्या मान ली हमने डी आर ठीक है। हमको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू अपान चार्ज ठीक है। हमने कहा एक टेस्ट चार्ज है वो यहां पर रखा हुआ है प्लस क्यू नॉट ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट सोचते जाओ
उसमें आ जाएगा ऊपर पौड़ी पौड़ी चढ़ते जा जाए माता दी कहते थे बस इसी काम चल जाएगा। तो जब टेस्ट चार्ट रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा कितना आ जाएगा क्यू नॉट इन टू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना फोर्स लगा रहा है क्यू नॉट इन टू ई, डायरेक्शन ऑलरेडी वहां क्लियर है ठीक है। अब हमने क्या किया टेस्ट चार्ज कहां पर रखा हुआ था बी पॉइंट पर, अब टेस्ट चार्ज को हमने बी से ए तक डिस्प्लेसमेंट किया, हमको वर्क करना पड़ेगा तो वर्क मिल जाएगा करना पड़ेगा क्योंकि रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। तो अगर हम निकालें वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज कहां से कहां तक फ्रॉम बी टू ए, तो इसको मान लें डी डब्ल्यू या स्मॉल वर्क डन लिखते हैं बहुत स्मॉल वर्क होगा तो क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कैसी है अपोजिट, यहाँ क्या लगा देंगे यहाँ हमारे सामने दो फायदे हैं, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने माइनस किसके लिए यूज किया है, सामने वाले को मुंह बना दिया हमने एक्चुअली माइनस किस पे होना चाहिए किताब में तो आर लिखा हुआ है लेकिन वैसे आर पे है नहीं माइनस एफ फोर्स पर है ये गलत ठीक है ये हम पाएंगे किताब की ना किताब बोला नाम गलत बाहर लगा दो। एफ की वैल्यू क्या है माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर, क्यू नॉट से इसको डिवाइड कर दो पहले समझ लो बाद में उतरेगा, क्यू नॉट से इसको डिवाइड कर दो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, क्या इसे पहचानते हैं आप ये पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो हमने यहां पर पोटेंशियल वी माना है और यहां क्या हो जाए वी माइनस डी घट जाएगा ना, तो फाइनल पोजीशन कौन सी आपकी है ए वाली है ना, इसको लिखेंगे वी माइनस डीबी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, ये डीबी हो जाएगा और डी आर को इधर ले आओ इज इक्वल टू माइनस ई, ई बराबर माइनस डीबी अपॉन डी आर होगा नहीं होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निगेटिव ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, समझे बात नोट करिए इसको थोड़ा बहुत मैथमेटिकली समझ लीजिएगा इसको न्यूमेरिकल के हिसाब से कैसे काम कराया जाएगा सुनिए ध्यान से। कभी कभी क्या होगा वी की वैल्यू आर पर डिपेंड कर रही है नहीं कर रही, दूरी बढ़ती जाएगी तो वी चेंज होता रहेगा ना, यानी वी इज द फंक्शन ऑफ आर है, तो अगर आप वी को आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो माइनस लगा दो तो आपको क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कभी कभी वो क्या करेंगे वी की क्या रिलेशन आर से दे देंगे ठीक है और आपसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो आप उसको मैथमेटिकली डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे ठीक है न्यूमेरिकली, तो क्वेश्चन लगेगा इस तरीके से ओके ठीक है।